वहीं मेरठ के थाना किठौर क्षेत्र के सोलदा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जमीन के विवाद को लेकर एक भाई ने अपने ही छोटे भाई को गोली मार दी। वहीं स्थानीय लोगों से सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके साथ ही पुलिस ने हत्या में प्रयोग किया गया तमंचा भी बरामद किया। वहीं पूछताछ के दौरान लोगों ने बताया कि इनकी जमीन का बंटवारा इनके माँ बाप ने कर दिया था, लेकिन बड़ा भाई इससे संतुष्ट नहीं था, जिसको लेकर आए दिन रोज आपस में झगड़ा होता था। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। देखिए, आज दोपहर ग्राम शोलदा थाना किठौर से ये सूचना प्राप्त हुई कि राहुल नाम के व्यक्ति को गले में फायर आर्म इंजरी है। तुरंत ही थाना पुलिस और उच्चाधिकारीगण मौके पर पहुंचे। जो तफ्तीश में सामने आया है वो ये सामने आया कि ये राहुल पुत्र महावीर सिंह थाना शोलदा के रहने वाले थे। इनके गले में गोली का निशान था और अस्पताल में इनको डेड ऑन अराइवल भी घोषित किया गया। इसमें जानकारी में ये आया है कि इनका इनके बड़े भाई संजय से ही जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जो इनकी माता जी द्वारा बंटवारा किया गया था उससे संतुष्ट न होने के कारण। और उसी क्रम में जब ये दोनों लोग आज खेत पर काम करने के लिए गए तो इनका आमना सामना हुआ। उसमें दोनों में कहासुनी हुई और उसी क्रम में संजय ने फायर किया जो कि इनके गले में लगा और जिससे कि इनकी मृत्यु हो गई है। इसमें तुरंत ही थाने स्तर पर दो टीमों का गठन किया गया है। संजय की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, मुकदमा लिख लिया गया है और अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद।